दोस्त हमारे यहाँ पे प्लेट लग गया है, इसी लेके जा रही है। दिखाओ जा, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग पे। तो आज छुट्टियों का दिन है तो ब्लॉग में थोड़ा सा लेट में अपलोड करूंगी, लेकिन फिर भाई सुबह सुबह 5 बजे से ही मेरी ड्यूटी लग गई है। अभी जस्ट मैंने आधा काम वगैरह सारा कुछ किया, किचन में सारा कुछ क्लीन कर लिया है और बाकी का काम नहीं हुआ है। तो हस्बैंड जी सुबह निकल जाते हैं 7 बजे, उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है। तो आज स्पेशल से हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। आप उन ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए व्हाइट वाला मटर मैंने रात में भीगने के लिए छोड़ दिया था, तो ये फूल चुकी है। अब इसे हमें कुकर में उबालना है, तो धो के हम डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 कटोरी, और इसमें हम डालेंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और डालेंगे इसमें हम खाने वाला सोडा। इससे बहुत जल्दी पक जाएगी और हमें हाई फ्लेम पर बस 1 सीटी सिर्फ लगाना है। 1 सीटी में मटर हमारा बहुत अच्छे से उबल जाएगा। और आलू मैंने यहाँ पर उबाल लिया है, तो यहाँ पर कुछ तैयारियाँ हमें करनी है, मिर्च वगैरह कट करनी, सारा कुछ हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो सा अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप लहसुन को भी कूट के ले सकते हैं, और मिर्च को बारीक कट कर लिया है। मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पेस्ट यूज करूँगी। यहाँ पे सरसों का हम डालेंगे फ़ौरन, और साथ ही हम अदरक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, और यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा। आप कूट के डालिए लहसुन को तो बहुत ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। थोड़ा सा मूँगफली के दाने हम इसमें डाल देते हैं, सभी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी और काश्मीरी लाल मिर्च, और आलू को यहाँ पे देखिए गोटा गोटा हमें तोड़ना है। चोखा जैसा पेस्ट नहीं बनाना, जैसा मसाले रहते हैं ना मार्केट में बिल्कुल वैसा। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, सॉरी धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर और गर्म मसाला। यहाँ पर देखिए हमारा चोखा बन के रेडी है। जैसे हम ठंडा करने के लिए अलग से प्लेट में रख देते हैं, और यहाँ पर मैं पंखा चालू कर दूँगी। तो मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, यकीन मानिए, और घर में ही अच्छा से बनता है, साफ सफाई के साथ, है ना। तो जब तक हमारे मसाले ठंडा हो रहे हैं, मैं यहाँ पे सिंघाड़ा बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आटा तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा अजवाइन डाला है मोयन के लिए, रिफाइन तेल डाला है, और एक कड़ा डो हम तैयार कर लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला। मटर भी देखिए हमारे अच्छे से पक गए हैं, और यहाँ पर बेसन मैंने ले लिया है। तो आटा को हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आज मैंने मॉर्निंग ड्रिंक अभी तक लिया नहीं है, सुबह ना बहुत जल्दी करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग ड्रिंक भी ले रही हूँ। अपने सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है। आज संडे का दिन है, छुट्टियों का दिन है, लेकिन आज के दिन भी सुबह 5 बजे से ही ड्यूटी यहाँ पर लग चुकी है। सभी के फरमाइशों को भी पूरा करना होता है। तो बेसन यहाँ पे लिया है, नमक में बेसन में डालूंगी, और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालूंगी, 1/2 छोटा चम्मच से भी कम। इससे थोड़े से ये क्रिस्पी बनेंगे, फूलेंगे, और चोखा हमारा ठंडा हो गया है। तो ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है बैटर को, बस इस तरीके से रखना है कि जैसे हम ऊपर से गिराए ना, तो आराम से बैटर हमारा गिरे, है ना, बिल्कुल हमें उस तरीके से रखना है। तो घर पे ही मैं कोशिश करती हूँ, बच्चे या फैमिली जो भी खाने खोजते हैं ना, तो घर पे ही बना के देने के लिए, बाहर का बहुत ही कम ही खाते हैं। तो चलिए अभी हम आलू की टिक्की बना बना के रख लेंगे। तो आप गोल भी बना सकते हैं, चपटा भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गोल गोल बना रही हूँ, और आधा आलू मैं रख दूँगी सिंगाड़ा बनाने के लिए। तो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे खाने के लिए, बच्चे भी जिद कर रहे थे, और हस्बैंड जी बोल रहे कि डेली तुम हमको पोहा रोटी वही सब देती हो, टिफिन कुछ स्पेशल सा दो। तो आज बना रही हूँ इन लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए आधा टिक्की मैंने रेडी कर लिया, और आधा मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और यहाँ पे मेरा देखिए पसीना, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। तो तेल हमारा देखिए गर्म है, मीडियम फ्लेम पे। चलते हैं अब हम आलू चॉप बनाने। तो देखिए बैटर इस तरीके से होना चाहिए। एक आलू हम इसमें डालेंगे, और बस डिप करेंगे, और तेल में हम फ्राई करेंगे, और तुरंत हम इसे नहीं पलटेंगे, एक बार में जितना आए उतना ही डालेंगे। एक साइड से हल्का सा सिकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद हम इसे पलट देंगे, और अच्छा से एकदम जैसे परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आता है ना, बिल्कुल वैसे हमें इसे फ्राई करना है, जैसे देखते ही मुँह में पानी आ जाए। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन रहे हैं, तो मीडियम फ्लेम पे इसे पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए थोड़ी देर बाद इसमें कितना अच्छा सा कलर आ गया है ना, तो सभी को हम निकाल कर रख देते हैं, और इसे रखें ना एक टिश्यू पेपर पर या फिर पेपर डाल के ज़रूर से रखें, और उसी तरीके से हम बाकी के सभी आलू चॉप को फ्राई कर लेंगे। तो आलू चॉप फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी बन के रेडी होता है।
सारे समोसे हमारे आलू चॉप बन के रेडी है, गर्मा गर्म। हाँ यहाँ पे देखिए इतने सारे गर्मा गर्म हमारे आलू चॉप बन के रेडी है, और अभी हम तैयार करते हैं समोसा बनाने का। हमारा आटा भी फूल के रेडी हो गया होगा और ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने हैं, देख के आपको लग सकता है, और मार्केट से भी बेस्ट बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर लक्ष्य आ गया है खाने के लिए, खुशबू से मिल गया है तो वो खाएंगे, लेकिन घूमने अभी बना नहीं है। सारे आलू चॉप बन के रेडी है, तब तक हमारा आटा भी यहाँ पर रेस्ट हो चुका है, तो आटा को हमें मसल मसल के 5 मिनट के जैसे हम अच्छे से गूंथना है। जितना अच्छा से हम आटा रेडी करेंगे ना, हमारे समोसे उतने ही परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैं तोड़ तोड़ के इसे वापस से एक जगह कर रही हूँ और अच्छे से इसे मसल मसल के इसे चिकना कर दे रही हूँ। और हमें इसकी छोटी छोटी जैसे पूरी का लोई होता है ना, उससे भी हमें छोटा रखना है। लोई तोड़ तोड़ के मैं यहाँ पर रख लूँगी। अब हमें इसे लंबे शेप में बेलना है, पतला बेलना है, मोटा हम नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर ये मैदा मैदा ही लगेगा। तो देखिए लंबे शेप में मैंने इसे बेला हुआ है और इसे हम चाकू से अभी कट करेंगे बीच से। तो वीडियो में आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और एक भाग हमें इसे उठाना है, और जैसे ट्राइंगल शेप होता है ना, जैसे शंकु का शेप कैसे होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। तो बहुत ईजीली बन जाता है, कोई हार्ड नहीं है समोसा का शेप देना। आप वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल हमें उस तरीके से करना है। हल्का सा हम पानी देंगे ताकि ये अच्छा सा चिपक जाए। और आलू हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, आलू रहेगा समोसा में तभी आएगा मज़ा, है ना। और बस इसके किनारों को हम बंद कर देंगे और एक समोसा का शेप देखिए कितना अच्छा सा हो गया। ऐसे हल्का सा बस चपटा करेंगे नीचे से, ताकि जो उसका नीचे का भाग होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो उस तरीके से वो बने। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजीली ये बन के रेडी हो जाता है। और एक कटोरी भी आप बनाइएगा ना मैदा से, तो बहुत सारे समोसे बन के रेडी होते हैं, बहुत सारे। बस आप आटा लगाने वक्त थोड़ा सा मोयन के लिए तेल डालें, रिफाइन का तेल, हल्का सा नमक और अजवाइन। तो देखिए शंकु का आकार का बिल्कुल हमें बनाना है, बहुत ही ईजी है। पानी मैंने लगा दिया है और साइड से हमें इसे बंद कर देना। तो देखिए एकदम टोपी टाइप से हो गया ना, जैसे बर्थडे टोपी होता है बिल्कुल वैसा। और बस हमें अभी इसमें आलू डालना है और बंद कर देना है इसके मुँह को। आधा से अधिक समोसा देखिए हमने बना के रेडी कर लिया है, तो और थोड़े से बचे हैं, तब तक हम उन्हें रेडी कर लेंगे। फ्राई होने में समोसा टाइम लगता है, हमें हल्का मीडियम फ्लेम पे, मतलब मीडियम गरम तेल में हमें इसे फ्राई करना है, तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो तेल हल्का मीडियम गरम है यहाँ पे, और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पलट पलट कर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना। तब तक हम इसे डाल देते हैं इधर पकने के लिए, और बाकी का हम इधर रेडी कर लेंगे। तो आप देखिए समोसा तलने के लिए तेल एकदम हल्का गरम है, अधिक ज़्यादा गरम तेल में फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। थोड़ी देर बाद इतना अच्छा से इसमें से कलर आ गया है समोसा का कलर, ये देखिए। आप चाहे तो हल्का सा और गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं, मैं इतना ही करूँगी। अरे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं आप देख सकते हैं, तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा फ्राई करने के वक्त। गर्मा गर्म हमारे समोसे रेडी है, हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारे समोसे यहाँ पे मैंने कर लिए हैं, आप लोग भी आ जाइए आज स्पेशल से ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यही कढ़ाई में मैं घूगनी बनाऊंगी, तो तेल ज़्यादा है, तेल को हम निकाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें तेल को छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा मोटा वाला जीरा, हमेशा को हम डाल देते हैं तोड़ के, और अदरक को कद्दूकस कर लिया है।
अपने पसंद के इसमें आप मसाला डाल सकते हैं। मैंने डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर डाला है और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे आधा छोटा चम्मच। मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ों को पकाएंगे। थोड़ा सा जो है ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैं बेसन डालूँगी, करीब एक चम्मच डालूँगी और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। एकदम होटल वाला जैसा स्वाद आएगा। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे जो आलू चप हमने तला था ना, तो चूरा चूरा जो पकौड़ी टाइप से रह गया है उसे हम डाल देंगे, तो इससे ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाएगा ग्रेवी में। तो बस हमारा घुघनी बन के रेडी है। और देखिए फ्रेंड, हमारा टेस्टी सा घुघनी भी बन के रेडी है। और इधर देखिए, ये रहा हमारा समोसा, क्रिस्पी क्रिस्पी समोसा। और इधर रखा है आलू चॉप। कुछ यहाँ पे रेडी हो गया है, समोसा, आलू चॉप, घुघनी सब रेडी हो गया है। किचन पूरा इस तरह पड़ा हुआ, सबसे पहले मैं हस्बैंड जी को टिफिन दे देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनको फिर लेट हो रहा है जाने के लिए। टिफिन हम रेडी करके दे देते हैं, मम्मी पापा को मैंने नाश्ता दे दिया है, तो फटाफट से फिर उसके बाद किचन चुन सब साफ करूंगी, मिलते हैं हम आपसे। हमारे यहाँ पे प्लेट लग गया है, इसे लेके जा रही है, दिखा दे। और यहाँ पे घुघनी भी रेडी है। और ये रहा मेरा प्लेट, तो सब प्याज कट करके दे दिया, सेव रहने से और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आइए फ्रेंड, हमारा नाश्ता यहाँ पे रेडी है और यहाँ पे आप चाट बना के भी खा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी खाने वाली हूँ समोसा को। यहाँ चूर चूर करके रख दूंगी और उसके बाद बहुत टेस्टी है। और ये बस थोड़ा सा कुछ बातों का ख्याल रखेंगे, आप कैसे रखेंगे समोसा फ्राई करने में, तो हमारा बहुत ही परफेक्ट नाश्ता घर में ही रेडी हो जाएगा। हमारा आज का ये स्पेशल नाश्ता देखिए, लक्स चाट बना के खा रहा है, बहुत टेस्टी बना है ना। मजा आता है नाश्ता मिलने से। जब मम्मी बड़े हो जाएंगे तब मम्मी का हेल्प करेंगे। हेल्प करें। ये तो मार्केट से भी बेस्ट बना है, मसाले वसाले सब परफेक्ट है, और बाजार से भी बेस्ट। चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट स्पेशल से एंजॉय करते हैं, आप भी इस तरीके से जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, घर में ही हेल्दी और टेस्टी से नाश्ता बनाइएगा, मतलब साफ सफाई के साथ, है ना। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।